ସ୍ମରଣ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏକଥା ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ତାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा उत्तर पश्चिम ओडिशा हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा प्रसंगे एने पुणि थे स्पष्टीकरण रखी सारी मुख्यमंत्री एवं एक हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा एवं भी विचाराधीन अच्छी। गतकाली बा सेप्टेम्बर 2 तारीख में जो उत्तर देती जहां सुप्रीमकोर्ट टिप्पणी आधार में प्रस्तुत होम सरकार लोकों पाखे सेवा पहुंचाइवा और न्याय देवाई बद्धपरिकर। तेणु ये घटना को नहीं अबा कही पारिबा हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा नहीं वर्तमान समय विचाराधीन रही प्रसंग एवं मुख्यमंत्री एक कथा भी कही पूर्वर जो उत्तर देती सुप्रीमकोर्ट टिप्पणी आधार में प्रस्तुत होता आम सरकार लोकों पाखे सबुबले सेवा पहुंचाई आगभर थाए बद्धपरिकर थाए न्याय देवाई आम सबुब प्रस्तुत अच्छु। तेणुक सुप्रीमकोर्ट टिप्पणी आधार में दुईट उत्तर पूर्व रखा जाते आम कहे मुख्यमंत्री एक कथा भी कही गतकाली सेप्टेम्बर 2 तारीख में जो उत्तर देती सुप्रीमकोर्ट टिप्पणी आधार में प्रस्तुत तेणु वर्तमान समय भी ए घटना विचाराधीन रही हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा प्रसंग वर्तमान विचाराधीन रही सुप्रीमकोर्ट जहां कही आधार आम उत्तर रखुचु वर्तमान जेहेतु आम सरकार लोकों पर सबुबले सेवा करने बद्धपरिकर और लोकों न्याय देवा किभली दिज्व से नहीं आम सब चेष्टारत एक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आम सरकार लोकों पाखे सेवा पहुंचाई चाहूँगी लोकों न्याय देवाई आम सरकार बद्धपरिकर एभली कि प्रतिक्रिया रखी मुख्यमंत्री। हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा एवं भी विचाराधीन रही घटना को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्पष्टीकरण रखिंट आज पुणी थे गत काली अर्थात सेप्टेम्बर 2 तारीख में विधानसभा से उत्तर रखी आज भी कही आम सरकार लोकों पाखे सेवा पहुंचाई सबुबले प्रयास करुच्ची लोकों न्याय दिज्व किभली से आम सरकार बद्धपरिकर तेज वर्तमान हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा प्रसंग विचाराधीन रही तेणु सुप्रीमकोर्ट जहां कही से अनुसार आम टिप्पणी रखिचु स्पष्टीकरण रखिचु दिंतु कि पश्चिम ओडिशा सांगे हाइकोर्ट बेंच करेंगे पश्चिम ओडिशा हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा दाबी हेई आसुची दीर्घ दिन धरी एवं एही प्रसंग एबे भी अबा एही मामला एबे भी सुप्रीमकोर्ट जो भली भाव में विचार दिन अच्छी हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा एबे भी एवं जेतेबेले पूर्वरु मध्य अर्थात गतकाली से उत्तर रखिथिले ताहा सुप्रीमकोर्ट जहां टिप्पणी देथिले ताकू आधार करी से लेखिथिले एवं कहिथिले तेणु वर्तमान समय एक आलोचना चली हाइकोर्ट जेहेतु वर्तमान समय हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा हम ना ना भी विचाराधीन अच्छी प्रसंग एवं पश्चिम ओडिशा हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा हम ना ना ता वर्तमान समय भी जेहेतु विचाराधीन अच्छी तेणुक यह स्पष्टीकरण आज पुणी थे रखिंट विधानसभा गृह से गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घटना को नहीं कही जहां से कही सुप्रीमकोर्ट टिप्पणी आधार से कही अर्थात सुप्रीमकोर्ट टिप्पणी आधार प्रस्तुत होता जहां से उत्तर रखिंट तेणु जेहेतु आम सरकार लोकों सेवा पहुंचाई लोकों पाखे न्याय देवाई सब चेष्टारत वर्तमान जेहेतु यह मामला विचाराधीन रही प्रसंग जो हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा हो प्रसंग विचाराधीन रही तेणुक वर्तमान समय या स्पष्टीकरण रखिंट मुख्यमंत्री कितु घटना को नहीं अबा हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा कराऊ पश्चिम ओडिशा यह दीर्घ दिन अब दाबी आसुची विरोधी आज दाबी कर तेरे गतकाली जो भाव में मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ बयान देते ओडिशा रे हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठार यथार्थता नहीं सुप्रीमकोर्ट राय अनुसार राज्य में हाइकोर्ट बेंच यथार्थता नहीं विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तर रखिते गतकाली बलांगीर स्थायी बेंच प्रतिष्ठा नहीं प्रश्न आसी विधायक कलिकेश सिंह प्रश्न करते जहां मुख्यमंत्री कही
जे ओडिशा रे हाईकोर्ट रो स्थायी बेंच प्रतिष्ठार यथार्थता नाही। सुप्रीम कोर्ट को राय अनुसार ही राज्य रे हाईकोर्ट बेंच रो यथार्थता नाही बोली कहितिले एवं आज मध्ये मुख्यमंत्री याकु ने स्पष्टीकरण रखिछंती जे गतकाली से जो टिप्पणी देखिले सुप्रीम कोर्ट को राय अनुसार ही से कहितिले तेणु वर्तमान जेहेतु यही हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा प्रसंग विचाराधीन रही तेणु वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट को राय अनुसार ही वर्तमान जहां राय देखते सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कहते जे राज्य में हाईकोर्ट बेंचर यथार्थता नहीं गतकाली याकु उत्तर रखिथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज जितेबले विरोधी माने प्रश्न करछते विरोधी विधायक याकु स्पष्टीकरण रखिछते मुख्यमंत्री महेश में तो अधिक अपडेट देवा मो सहित अच्छा महेश हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा दाबी पश्चिम ओडिशा रे हेउ याकु ने दीर्घ दिन हेबो दाबी हे आसुची गतकाली मुख्यमंत्री गोटे बड़ बयान देते जे ओडिशा रे हाईकोर्ट रो स्थायी बेंच प्रतिष्ठार यथार्थता नहीं सुप्रीम कोर्ट को राय अनुसार से कहते आज याकु ने स्पष्टीकरण रखि सारी देखो जदि कह हाईकोर्ट स्थायी बेंच नहीं कि आज गृह में मुख्यमंत्री एक स्पष्टीकरण रखिंट आज जो मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण रखिंट गत काली आप देखिए मुख्यमंत्री गोटे उत्तर देते सुप्रीम कोर्ट राय को आधार करीकरण रखिंट विचाराधीन अच्छी गत काली मुख्यमंत्री मोर प्रश्न राय देते कि सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन अच्छी कौन जस्टिफिकेशन आईन सेकेंड हाईकोर्ट बेंच करने लगे परंतु आपण जदि देखिबे आज मुख्यमंत्री तांकर कथाटा बदली देइछंती और कहिछंती विचारधीन अछि तेणु केते वर्ष विचारधीन रहिबो पश्चिम ओडिशा केबीके अंचल रे हाईकोर्ट बेंच निहाती दरकार अछि सुप्रीम कोर्ट रो ओपिनियनटा सुप्रीम कोर्ट लॉयर स्ट्राइक को बंद करबा लागि टेक्नोलॉजी कथा उठै करी कहिथिला एटा दरकार नाइन लयर माने विभिन्न जगह अपीयर करेंगे आज भी देखू हाईकोर्ट अधिकांश संख्या रे कटक तथा भुवनेश्वर वकिल माने अपीयर करेणु निहाती दरकार कि आम पश्चिम ओडिशा के बिके अंचल गोटे सर्किट बेंच हाईकोर्ट बेंच हो केते वर्ष विचाराधीन रहिबो अश्योरेंस दिंतु से कि केते दिन भितरे से ए हाईकोर्ट बेंचटा गठन करेंगे एवं तो डबल इंजन सरकार अच्छी जो प्रस्तावटा ओडिशा सरकार पठेब से केन्द्र सरकार करने लगी बाध्य हम आम समय जो प्रस्ताव जाऊला एटा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तथा केन्द्र सरकार भितर गोलमाल रही जाऊला लगुच अढ़ाई सरकार से कहते शिशु सरकार लगुच मुख्यमंत्री जो आश्वासना देते हाईकोर्ट स्थायी बेंच नहीं पश्चिम ओडिशा से दिग्वे सरकार अग्रसर है जदि से कार्य अनुगृत हे आम खुशी हबू से तो विचाराधीन कहते जदि कही था कि मुश्योरेन्स दौर कि गोटे वर्ष छमास प्रस्ताव तालम पालन करवा तेज ये जिनटा आउ खुशी लगी था हाईकोर्ट बेंच को लेकिन आलोचना हुए बीजेपी अनेक नेता से आप सरकार को टार्गेट कर पूर्वतन मुख्यमंत्री जो आंतरिकता अभाव ये केवल विचाराधीन अवस्था को चल देखु ओडिशा सरकार गोटे नहीं तीन टा हाईकोर्ट बेंच सर्किट बेंच लगे प्रस्ताव देते जहाँ मत खबर अच्छे गोटे साउथ रे गोटे वेस्ट रे आ गोटे नॉर्थ रे सेटा मध्य हाईकोर्ट विचाराधीन होता हाईकोर्ट कनसल्ट करते सुप्रीम कोर्ट आउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट भितर प्रस्ताव रही जाता तेणु निहाती दरकार अच्छी डबल इंजन सरकार डबल इंजन आकार काम करूँ अलग अलग जगह गोटे फॉरवर्ड गियर गोटे रिवर्स गियर नहीं चलतु ए समय अच्छी मुख्यमंत्री यदि चेष्टा करेंगे स्वतंत्र भाव में पश्चिम ओडिशा हाईकोर्ट बेंच हे भितर बलांगीर आम प्रथम अधिकार रहे बहुत बहुत धन्यवाद श्री कालिका सिंह देव आप शुणुते पश्चिम ओडिशा हाईकोर्ट स्थायी बेंच नहीं कि मुख्यमंत्री गृह से स्पष्टीकरण पर कालिका सिंह देव प्रतिक्रिया एवं सी सरकार गोटे दावी कर आश्वासना नुह एवं गृह को आ गए आश्वासना दिंतु जे केते शीघ्र नहीं कि लक्ष्मणबाग श्री लक्ष्मणबाग हाईकोर्ट बेंच नहीं कि मुख्यमंत्री जो स्पष्टीकरण रखिंट आज गोटे स्पष्टीकरण रखिंट अंपक्ष कालिका सिंह देव कहते सरकार ये दिग्वे अग्रसर हवा दरकार गृह को आश्वासना दवा दरकार हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा करें गृह को नदे आश्वासना एक कथा ओडिशार सरकार को 4.5 कोटी जनसाधारण जनता सरकार 4.5 कोटी लोक जो भली कार्य
खुशी हेबे जो वाली कार्य लोकं उन्नति हेब निश्चित भाव आम मुख्यमंत्री मोहन सरकार से ही कार्य करे मुझे चाहूँगी पश्चिम ओडिशा को हाईकोर्ट बेंच आवश्यकता अच्छी किंतु ता प्रति सरकार निष्पत्ति ने बाकी माने किए विरोधी माने किए निश्चित भाव सरकार जोटा उचित हम से निष्पत्ति नब धन्यवाद बीजेपी विधायक लक्ष्मण बाबा प्रतिक्रिया शुणुते बलांगीर जी रही विधायक अर्थात बीजेडी विधायक कल्केश नारायण सिंहदेव शुणुते ये जो हाईकोर्ट स्थायी बेंच को लेकिन भिन्न समय भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया आसता है और साधारणतः जब आप देखिए पूर्व जी आप देखिए केन्द्र आईन मंत्री थे सी कही हाईकोर्ट बेंच रही वर्तमान स्थित आवश्यकता ना जेहेतु ई कोर्ट वर्तमान सब जगार उपलब्ध होने की पूर्व गोटे अनेक तर्क वितर्क बाद बिवाद ये सब देखाई हाईकोर्ट बेच एवं कहे हाईकोर्ट बेच प्रतिष्ठा या गोटे प्रसंग राजनैतिक प्रसंग भाव में उभा होती सुप्रीमकोर्ट राय आेत्र में ए क्षेत्र में विधानसभा अनेक बार जी आप देखिए तर्क वितर्क होती गोटे राजनैतिक प्रसंग पलटि अतीतर प्रसंग को लेकिन गोटे वकिल गोटे आंदोलन देखा मिलता तेणु वर्तमान परिप्रेक्षी कथ हूँ गत काली जितेबले मुख्यमंत्री गृह उत्तर देते लिखित उत्तर दि जाइए जे हाईकोर्ट